नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। क्या आपके मुंह के कोनों के आसपास कुछ ऐसी दरारें पड़ती हैं जिसके कारण आप जब भी मुस्कुराने के लिए अपने होंठ फैलाते हैं तो काफी दर्दनाक अनुभव होने के साथ ही होंठों के किनारों पर जलन और सूजन बढ़ने लगती है, जिसका प्रमुख कारण है संक्रमण या निर्जलीकरण, जिसे वक्त रहते ध्यान न दिया जाए तो कभी कभी घातक परिणाम भी दे सकता है। अगर आपके मुंह के किनारों पर दरारें ज्यादा वक्त से देखने को मिल रही हैं, तो एंगुलर चेलाइटिस नामक स्थिति से निपटने के लिए कुछ खास तरीके हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं एंगुलर चेलाइटिस के कारण क्या है। बता दें कि एंगुलर चेलाइटिस कोई बीमारी नहीं बल्कि होठों के किनारे फटने का कारण माना गया है। ऐसा तब होता है जब मुंह के अंदर से निकली लार होठों के किनारों पर आकर जमा होने लगती है। लार होठों के कोनों में दरारें पैदा करता है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ईस्ट विकसित होने लगते हैं, जो मुंह के किनारों के फटने का कारण बनते हैं। अगर आपको अपने होठों को बार बार चाटने की आदत है तो इससे होठों में सूखापन होने लगता है। होठों की नमी के खत्म होने से उसके आसपास का एरिया सूख जाता है, जो बाद में होठों के कोनों में दरारें पैदा करने का कारण बन जाता है। ये खासतौर से उस वक्त के दौरान होता है जब मौसम बदल रहा हो। त्वचा विशेषज्ञों की माने तो सूखे मौसम के कारण भी हमारे आसपास के होठ या मुंह के किनारे फटने का खतरा बढ़ने लगता है। बता दें कि होठ या मुंह के किनारे फटने का कारण एलर्जी, सूजन या एक्जिमा जैसी कोई समस्या हो सकती है, जिसे जीवाणु या कवक आसानी से फैल जाते हैं। एंगुलर चेलाइटिस को रोकने का सबसे असरदार तरीका है कि आप अच्छी गुणवत्ता के लिप बाम, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस का इस्तेमाल करें। साथ ही एंटीफंगल दवा, एंटीसेप्टिक्स या पोषक तत्वों का भरपूर सेवन करें। घाव को भरने के लिए मरहम या स्टेरॉयड ऑइंटमेंट सबसे अच्छा उपचार है। अगर आप चाहें तो एलोवेरा की पत्तियों से एलोवेरा जेल निकालकर उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। करीब 15 से 20 मिनट बाद प्रभावित जगह पर लगाएं और फिर पानी से धो लें। ऐसा रोजाना करें, जल्द ही फर्क देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।